हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नरा है एंड अपना एक WHM मास्टरिंग कोर्स चल रहा है एंड ये इसका 11वां वीडियो है। सारे जो वीडियो हैं वो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ट अ डोमेन टू अकाउंट। तो जैसे सी पैनल में बहुत सारे डोमेन होते हैं, आपने एक सी पैनल लिया, उसमें आपने 10-15 डोमेन अपने ऐड कर दिए, लेकिन वो एक ही सी पैनल के अंदर हैं सारे। आपका कोई इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, उसका डोमेन है, आप चाहते हो कि इसका एक अलग से सेपरेट सी पैनल बन जाए, तो वो अपन कैसे बनाएं, इसी वीडियो में वही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ WHM में। मैंने 3-4 चीज़ें ये कन्फिगर सारी बता दी हैं पहले ही, सर्वर कन्फिग्रेशन एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट फंक्शंस ये बता दिए हैं मैंने। अभी जाते हैं ट्रांसफ़र वाले में। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर अपने को करना है, पहला वाला कन्वर्ट अडोन डोमेन टू अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जिस भी सी पैनल में अडोन डोमेन होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा, ओनली एक ही। तो मैं पहले वो सी पैनल अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, लिस्ट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है, फर्स्ट वाला, इसमें मैंने एक एडोन डोमेन ऐड कर रखा है। मेन डोमेन तो ये है इसका, और एक इसमें एडोन डोमेन ऐड कर रखा है। मैं इस सी पैनल पे जाता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एंड ये रहा अपना एडोन डोमेन, पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये रहा एडोन डोमेन। ओके, और यहाँ पे एक ये एडोन डोमेन ऐड है, और यहाँ पे भी वही दिखा रहा है डॉट टिक के वाला। ठीक है, तो एंड अभी उसमें मैं एक चीज़ और करता हूँ, इसकी जो फाइल है उसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। तो वो एक वेट ए सेकेंड, यहाँ पे गई पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ये अपना डोमेन नेम है एडोन डोमेन, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी एक फाइल डाल देता हूँ, wk.html। ओके, wk.html डाल के इसको एडिट किया, और इसके अंदर ये वाला टाइटल डाल देता हूँ मैं। ओके, ये डाला, क्लिक सेव। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट कंप्लीट सी पैनल में, बिकॉज अभी जो सी पैनल है उसका तो मेन डोमेन ये है, देखो प्राइमरी डोमेन ये है ना, और जो ये वाला डोमेन है वो अभी तक इसके एडोन में है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सी पैनल बनाते हैं। तो कन्वर्ट पे क्लिक करना है अपने को, यहाँ पे आके कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल, अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। पैकेज भी अपडेट करना है, अभी डिफ़ॉल्ट है, तो पैकेज भी अगर आपको कन्वर्ट करते टाइम अगर आपको पैकेज अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड जितने भी चीज़ होते हैं वो आप यहाँ से मतलब कन्वर्ट करते टाइम उसको डिफाइन, उसको नई वैल्यू दे सकते हो, इसको यहाँ पे नया ईमेल दे सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद एंड यहाँ पे क्या है, MySQL डाटाबेस वगैरह कुछ है भी नहीं, ईमेल भी कोई क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो ये यहाँ पे रेड में दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे एंड स्टार्ट कन्वर्जेशन पे क्लिक करते हैं। इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन, द परमानेंट यूज़र नेम दिस सिस्टम ऑलरेडी हैज बिन अकाउंट, वेट अ सेकेंड। ऊपर चेक करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें जो यूज़र नेम है ना वो मैच हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे आते हैं एंड इसका और इसका जो यूज़र नेम है वो सेम ही है। वेट वेट वेट, ओके ओके ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, जो इसका जो यूज़र नेम है ना मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इस वाले के यूज़र नेम में मैं डबल ए लगा देता हूँ, बिकॉज क्या ये दोनों डोमेन है ना वैसे पूरा नाम सेम ही है, बस एक्सटेंशन अलग 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 है। तो मैंने इसको किया सेव। अभी आया मैं यहाँ पे कन्वर्ट एडोन डोमेन में दोबारा से। ओके, उसके बाद अभी ये अपने पास है, उसके बाद मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आया एंड स्टार्ट, इस पर क्लिक कर दिया। ये देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, दस सिस्टम स्टार्टेड। ओके,
एंड यहाँ पे देखो स्टेटस आ गया है डन। अभी आप देखना जब आप यहाँ पे लिस्ट में जाओगे सीपीएनएल की लिस्ट में, हाँ यहाँ पे मैं जाता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लिस्ट अकाउंट्स, तो यहाँ पे आप देखना ये दो बन गए हैं, एक तो ये वाला जिसमें पी डबल ए जो मैंने अभी लगाया है, और एक एक ये वाला इस डोमेन डॉट टिक के वाला जो कि पहले एडोन डोमेन था, ठीक है, इसका भी यहाँ पे एक सी पैनल बन गया है। ओके जब मैं इस पे अभी जाऊँगा तो इसमें तो प्राइमरी में ये था, लेकिन इसमें प्राइमरी में ये टीके वाला डोमेन रहेगा, ये देखो टीके वाला। और मैं जब इसकी फाइल मैनेजर में जाता हूँ, फाइल मैनेजर में गया पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल, और जो विके डॉट एचटीएमएल जो अपन ने क्रिएट की थी वो इसी में ही है, मतलब इसका पूरा फाइल फाइल वगैरह भी वही है, सारा कुछ वही है, बस इसका इस जो अडोन डोमेन है इनका उन्होंने ये सी पैनल का अकाउंट बना दिया सेपरेट। ओके तो इस फंक्शन का यूज़ करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये कुछ यूज़र्स को चाहिए होता है, जैसे उसके पास 10-20 सी वो अडोन डोमेन हो जाते हैं, कोई साइट अच्छी चल रही है तो वो चाहते हैं कि इसका एक सेपरेट सी पैनल बन जाए तो उसको मैनेज कर सके सही से, तो इसलिए ये वाला फंक्शन यूज लेते हैं। अगले भी वीडियोस में और भी ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र टूल का कैसे अपन यूज़ लें उसके बारे में जानेंगे। अगर उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।